यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वास्तु ओरा स्कैनर और वास्तु वर्कशॉप के अंदर। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस तरह से सिखाने की कोशिश की कि ब्रह्मस्थान हम कैसे किसी का घर का वास्तु का या फैक्ट्री का या शॉप का देख सकते हैं। ब्रह्मस्थान वास्तु में देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मस्थान में से ही ब्रह्मा जी का वास है और वहां से ही पूरी एनर्जी जो है वहां पे, यहाँ पे ये एनर्जी का जन्म होता है। यानी यहाँ से अगर पॉजिटिविटी एनर्जी यहाँ से ही क्रिएट होगी हर एनर्जी की। अगर यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस होगा तो समझ लेना कि ब्रह्मस्थान अगर जिस घर का डिस्टर्ब होता है वहां का वास्तु खराब होता है। अब मैं आपको यही स्कैनर से वो दिखाना चाहता हूँ कि आपको ब्रह्मस्थान की एनर्जी, ब्रह्मस्थान तो अपने स्कैनर से ढूंढ लिया, ये अप्रोक्स है, फिर आपको एक मेजरमेंट लेके कंप्लीट करने का है। आप जो कंस्ट्रक्शन का ब्रह्मस्थान ढूंढोगे वो थोड़ा अलग रहेगा और पूरे प्लॉट का भी ब्रह्मस्थान थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि प्लॉट का ब्रह्मस्थान के अंदर कंस्ट्रक्शन जो हमारा वास्तु होता है वही वास्तु को कैलकुलेट करना है, प्लॉट के वास्तु को भी कैलकुलेट करना है। पर अभी हम घर के ब्रह्मस्थान से हमारे जो कारपेट एरिया यानी कंस्ट्रक्शन का जो वास्तु है उसकी ही ऊर्जा अभी कैलकुलेट करेंगे, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये आपको मेजरमेंट करके भी कंफर्म करना है क्रॉस चेकिंग। अब हम अपने ब्रह्मस्थान में खड़े हुए हैं, अब मैं यहाँ की ऊर्जा कैसे हम इसकी स्कैनर के बदौलत ये ऊर्जा देखने की कोशिश करेंगे। अभी आपको कभी देखो ब्रह्मस्थान मेरा क्लियर है, पर क्या होता है यहाँ पे कोई जियोपैथिक स्ट्रेस हो या माइनस आईआर हो या कोई ऐसे ब्लैक मैजिक हो या फिर यहाँ की टाइल्स के कलर कोई डिफरेंस हो। जैसा भी ये मेरा लाल स्टूल है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो भी एक वास्तु में गलत है। ब्रह्मस्थान में लाल यानी अग्नि आ गया यानी वास्तु दोष बनेगा। अब मैं ये ब्रह्मस्थान के सैंपल डाल रहा हूँ, अब मैं इसको स्कैनर को कमांड दूंगा कि यहाँ की एनर्जी कैसी। अगर यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव होगी तो स्कैनर अपने हिसाब से परसेंटेज वाइज खुलेगा। अब ये देखिए इस वास्तु के ब्रह्मस्थान की एनर्जी स्कैन कीजिए, तो ये देखिए आप स्कैनर पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, पर एक ये लाल टेबल होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। दूसरा कि यहाँ पे जियोपैथिक का भी होना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 270 तक खुल रहा है, 270 डिग्री यानी 90% 80% खुल रहा है, बाकी नहीं खुल रहा है। यानी इसको हम ऐसा कहेंगे कि इसकी वजह से ब्रह्मस्थान इतना थोड़ा हमारा डिस्टर्ब आ रहा है। अब हम यहाँ से ब्रह्मस्थान की ऊर्जा लेने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ से हमें अपना नॉर्थ देखना है, तो नॉर्थ डायरेक्शन कैसे। जब भी आप नॉर्थ और साउथ को इससे सर्च करो तो आपका फेस हमेशा ईस्ट या वेस्ट में रहना चाहिए। अभी मेरा फेस ईस्ट में है, मैं नॉर्थ के सैंपल डाल रहा हूं। अब मैं यहाँ पे ये देखना, ये स्टूडेंट्स ये बहुत ही बढ़िया है कि अगर आपके पास कंपास है तो आप कंपास से अपने वास्तु की चार डायरेक्शन चेक कर सकते हो। कंपास नहीं है तो एक बार स्कैनर भी आपको अप्रोक्स बता सकेगा, थोड़ा डिग्री में नहीं बताएगा पर अप्रोक्स बताएगा, फिर आप क्रॉस चेकिंग कंपास से कर लीजिए। अब हम यहाँ पे पूछेंगे कि इस वास्तु की नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे, तो देखिए दोस्तों ये मेरी लेफ्ट की साइड मूव कर रहा है, मेरा मुंह ईस्ट की तरफ है। आप क्लॉकवाइज देखेंगे तो ईस्ट की तरफ फेस करके लेफ्ट साइड पे जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ डायरेक्शन। अब स्कैनर ने ढूंढ लिया कि इसकी नॉर्थ कहाँ पे है। अब मैं स्कैनर की लैंग्वेज के हिसाब से ही अपनी बॉडी को नॉर्थ की साइड टर्न करूंगा, ये स्टूडेंट्स आपको सीखना है। ये अगर आपको आ गया तो समझना स्कैनर किस तरह से वास्तु में यूज कर सकते हैं। अब मैं नॉर्थ की साइड खड़ा हूँ, अब मुझे नॉर्थ की तरफ मूव करके यहाँ की ये नॉर्थ जो है मेरी उसकी पॉजिटिविटी देखनी हो कितने परसेंटेज आएगी। अब वो कैसे आएगी कि स्कैनर अपने आप खुल जाएगा, ओके जितना खुलेगा उतना परसेंटेज या उतनी डिग्री यहाँ की पॉजिटिविटी। अब ये देखिए इस वास्तु की नॉर्थ डायरेक्शन की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए, तो ये स्कैनर 360 खुल गया, क्योंकि यहाँ पे भगवान जी के फोटो है, फेंग शुई प्रोडक्ट है जिससे कि वो पॉजिटिविटी बहुत अच्छी आ रही है। अब ये आपको देखना है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो गया, स्कैनर यहाँ से पूरी ब्रह्मस्थान से यहाँ जो एनर्जी का फ्लो जा रहा है वो नॉर्थ की तरफ डिवाइड हो रहा है। अब नॉर्थ में मेरे को 16 जोन 1x1 चेक करने, क्या है नॉर्थ के 16 जोन, वो जोन निकाल के मुझे पता चलेगा कि क्या क्या यहाँ पे डिस्टर्बेंस है। अब हमने यहाँ पे नॉर्थ की तरफ करके नॉर्थ की एनर्जी ले ली, एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस वास्तु के नॉर्थ जोन की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए, तब देखोगे कि 360 डिग्री पे खुल गया, यानी नॉर्थ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है जिसको हम वास्तु दोष कह सकेंगे। अब हमें ये देखना है कि यहाँ की जो 8 डायरेक्शन है यानी 8 जोन जो बन रहे हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट से लेके पूरा ये पट्टा जो आ रहा है वो पूरा जो हमारा जोन है वो हम स्कैन करेंगे 1x1। अब हम वेस्ट से चालू करेंगे, वेस्ट साइड से
अब हम सबसे पहले यहाँ की ऊर्जा लेंगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से हम शुरुआत कर रहे हैं कि यहाँ की नॉर्थ वेस्ट कितनी पॉजिटिव है। अब ये मैंने नॉर्थ वेस्ट के सैंपल डाले, अब पहले मैं कमांड करूंगा इस वास्तु का नॉर्थ वेस्ट स्कैन कीजिए, तो स्कैनर थोड़ा मामूली सा वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ओके, अब मैं थोड़ा मेरी बॉडी को मामूली सा वेस्ट की तरफ मूव करके पूछूंगा इस वास्तु की नॉर्थ वेस्ट की ऊर्जा स्कैन कीजिए। तो ये देखिए, ये थोड़ी कम दिखा रहा है क्योंकि मेरा नॉर्थ वेस्ट में एक कट है, यानी ये 50% पूरा आ रहा है, यानी उसको मेरे को उसकी रेमेडी करनी है जिससे करके ये 100% में कन्वर्ट हो जाए। अब उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट को हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट को देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ की नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की पोजीशन क्या है। अभी हमने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का क्लियर किया, अब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में तो हम नहीं जा सकते, अब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की ऊर्जा हम चेक करने की कोशिश करेंगे। ये अपने पास है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के सैंपल्स। अब हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के सैंपल्स लेंगे और यहाँ की नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में कितनी पॉजिटिविटी है वो स्कैन करेंगे। ओके, अब हम इस वास्तु की नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट स्कैन कीजिए, तो ये थोड़ा सा यहाँ जा रहा है। अब वहां पे हम खड़े होकर पूछेंगे इस वास्तु में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का जोन की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए, तो ये पॉजिटिविटी परफेक्ट दिखा रही है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में मेरा प्रॉब्लम्स है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में मेरी ऊर्जा बहुत ही पॉजिटिव है, यानी ये थोड़ा हमें पता चल रहा है कि यहाँ की क्या स्थिति बन रही है। अब हम चले जाएंगे वापस नॉर्थ के अंदर कि भाई नॉर्थ की पॉजिटिविटी क्या है। जिस तरह से हमने वहाँ से चालू किया था उसी तरह से अब हम नॉर्थ की पॉजिटिविटी को स्कैन कर रहे हैं कि नॉर्थ की पॉजिटिविटी क्या है। इस वास्तु की नॉर्थ जोन की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए, तो ये देख लिए पूरे 360 डिग्री हो गए फ्रेंड्स। यानी इस तरह से आज हमने आपको नॉर्थ, पहले ब्रह्मस्थान की पॉजिटिविटी का सिखाया, फिर हमने नॉर्थ की पॉजिटिविटी सिखाई, वहां कैसे हमको सर्च करना है वो सबको आपने, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको उसके बारे में नॉलेज दी। अब आप वापिस एक बार देख लीजिए कि स्कैनर को पकड़ने का कैसे, कई स्टूडेंट्स स्कैनर को यूं करके पकड़ते हैं, ये स्निपर को मेरे को अच्छी तरह देख लीजिए। इस वास्तु में नॉर्थ डायरेक्शन कहां पर है, अब ये देख लीजिए पूरा मेरी लेफ्ट साइड पे चला गया। इस तरह से ही आपको स्कैनर को यूं पकड़ के इस वास्तु की नॉर्थ डायरेक्शन स्कैन कीजिए, बहुत आराम से आपको करना है, बहुत बड़ी बात है नहीं है। इस वास्तु की नॉर्थ जोन स्कैन कीजिए, जो भी आपको नॉर्थ संबंधित लैंग्वेज आती है तब वो नाम आता है, आपको अगर हिंदी में आता है तो इस वास्तु का उत्तर दिशा का क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये हमेशा उधर ही दिखाएगा। उसी तरह इस वास्तु में जो उत्तर दिशा का क्षेत्र है उसकी सकारात्मक ऊर्जा कैसी है ये देख लीजिए। आप इसको हिंदी में कमांड दो, इंग्लिश में कमांड दो, ये जो एनर्जी है वो आपकी लैंग्वेज समझ नहीं रही, ये एनर्जी में जो सैंपल्स है और जो डायरेक्शन है वो उसके हिसाब से काम कर रहा है। इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जो बायोमैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्कैनिंग है वो स्कैनिंग स्कैनर कर रहा है। मीडिएटर है सैंपल, सैंपल होना बहुत जरूरी है और वो सैंपल एवरी मंथ इसको चार्ज करना पड़ता है रेकी के माध्यम से, तो ही आप परफेक्शन ले पाओगे। यानी रेकी सीखना भी स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है, आप भी एक दो लेवल तक रेकी सीखिए, जिस तरह से सैंपल्स बुक में आप रेकी दोगे और जितनी आप सकारात्मक ऊर्जा से अपने चक्र भी चार्ज करोगे तो सच में आप अच्छे एक वास्तुकार बन सकोगे। आज की क्लास में हमने आपको इतना दिखाया, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप और डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं। थैंक यू।